तीसरे फेज की वोटिंग के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सादा निशाना, कहा चुनाव ने भाजपा को बना दिया इतिहास। जौनपुर के मैदान से पूरी तरह बाहर हो गई धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला, पहले टिकट कटा अब पर्चा खारिज। पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का परिवार पीएम मोदी से मिला, भारत रत्न सम्मान के लिए दिया धन्यवाद। भारतीय युवाओं को रूस यूक्रेन युद्ध में धकेलने वाले चार तस्कर गिरफ्तार, सीबीआई ने 7 राज्यों में दबिश देकर पकड़ा। तीसरे चरण में 63% से ज्यादा मतदान, असम, गोवा और पश्चिम बंगाल सबसे आगे। बैतूल में मतदान कर्मियों को ला रही बस में लगी आग, ईवीएम वीवीपीएटी मशीनों का हुआ नुकसान, लोगों ने कूद कर बचाई अपनी जान। बीजेपी संविधान बदलने के लिए जीतना चाहती है 400 से ज्यादा सीटें, उद्धव ठाकरे का दावा। इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी, जनता अपने वोटों से उन्हें देगी जवाब, बोली स्मृति ईरानी। तीसरे फेज में वोटिंग बढ़ने से गदगद बीजेपी, पीएम मोदी और तेज करेंगे प्रचार। हिमाचल में 4 लोकसभा उम्मीदवारों ने भरा नामांकन, विधानसभा उपचुनाव के लिए एक भी पर्चा दाखिल नहीं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।